हेलो बच्चों, मैं ओमबीर जिंधर और आज हम लोग पढ़ेंगे मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ की बात करूं मैं तो इसका मतलब ये होता है कि छोटी फॉर्म ओम्स लॉ की छोटी फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। ओम्स लॉ की छोटी फॉर्म क्या होती है, आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ होता है बच्चों वी इज इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स वी इज द पोटेंशियल, आई इज द करंट एंड आर इज द रेजिस्टेंस। तो मिनिएचर फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल तो हमने पढ़ा था, तो किस चीज के बारे में हमने बात की थी, आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इसकी जो मिनिएचर फॉर्म है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस हम V को क्या लिख सकते हैं, तो V को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं E इंटू डी और E इंटू एल। मिनिएचर फॉर्म ऑफ अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट की छोटी फॉर्म क्या है, करंट कैसे बना था, तो वो हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्ज फ्लो होते तो करंट बनता है। चार्ज कैसे फ्लो होते हैं, तो वो हमने चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में बात की थी कि एक क्वांटिटी चार्ज डेंसिटी होती है एंड दैट क्वांटिटी चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, मीन्स चार्ज डेंसिटी मतलब करंट डेंसिटी मीन्स आई अपॉन ए। हमने सीखा था कि J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और यहां से अगर मैं I की बात करूं तो I क्या बन गया था हमारे पास, I बन गया था I इज इक्वल टू J, J इज द करंट डेंसिटी, J इंटू ए, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। अब बच्चों अगर मैं रेजिस्टर की बात करूं तो रेजिस्टर का मिनिचर फॉर्म क्या होता है, रेजिस्टर की छोटी फॉर्म क्या होती है, तो रेजिस्टर की छोटी फॉर्म होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वो हमने सीखा था क्या, तो R इज इक्वल टू हमने सीखा था रेजिस्टिविटी रो इंटू एल अपॉन एरिया ए, दैट इज द रेजिस्टिविटी मीन्स मिनिएचर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। ये सब वैल्यूज अगर मैं यहां पे रख देता हूं इसमें V की वैल्यू, I की वैल्यू और R की वैल्यू, तो हमारे पास मिनिएचर फॉर्म आ जाती है इसकी। V की जगह मैंने लिख रखा E इंटू एल, दैट इज इक्वल टू I की जगह पे रखा मैंने J इंटू ए, मल्टीप्लाई में रखा मैंने R की वैल्यू रखी मैंने रो L बाय A। कौन कौन क्वांटिटीज यहां से कैंसिल हो जाती हैं, तो L से L मर गया, A से A मर जाता है। बहुत सारी बातें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। डेंसिटी मींस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। मींस रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी विच इज रिप्रेजेंट बाय सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, दैट मीन्स E इज इक्वल टू वॉट, E इज इक्वल टू J इंटू वन अपॉन सिग्मा। अगर यहां से मैं जे की वैल्यू निकालना चाहूं तो जे इज इक्वल टू वॉट, दैट जे इज इक्वल टू वॉट, जे इज इक्वल टू वॉट ई इंटू सिग्मा, मीन सिग्मा इंटू ई। तो यहां पर ये जो जे है ये करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये जो हमें रिजल्ट मिलता है, दैट रिजल्ट इज मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर भी ओम्स लॉ होता है, जिसको हम लोग लैब में देख सकते हैं, हम V की वैल्यू बता सकते हैं, हम R की वैल्यू बता सकते हैं, हम E की I की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारे पास इनको मेजर करने के डिवाइसेस हैं। ये अपने पास मैक्रोस्कोपिक फॉर्म हुई ओम्स लॉ की, यही हम लैब में देख सकते हैं, ये इसको हम लोग नहीं देख सकते, दैट इज द मिनिएचर फॉर्म, छोटी फॉर्म हुई यहाँ पर, जे को भी आप नहीं कर सकते। ये आपकी कंडक्टिविटी है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमें केवल एक कंडक्टर में ऑब्जर्व होता है। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं, वी जे आई रो सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ वोल्टेज करंट रेजिस्टर सब कुछ। ये मिनिएचर फॉर्म के साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि बच्चों आपको जो टाइम मिला है, तब पूरा वर्ल्ड ही बेसिकली लॉकडाउन में है, तो उस टाइम पर आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है कि आप घर पे बैठ के टाइम ख़राब करें। टाइम ख़राब कैसे है कि थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, वो थोड़ी देर आती नहीं है। दूसरा, आप लोग उस 24 जो आर्स आपको मिल रहे हैं उसको इस तरीके से यूटिलाइज करें, क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकते अब, आपको कहीं स्कूल कॉलेज कोचिंग कहीं भी नहीं जाना, आपको केवल घर पे बैठ के अब आपके क्वेश्चंस करने का टाइम बहुत ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। ये जो फिक्स टाइम आपको मिला है इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगर आप ये फायदा उठाते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन आपको नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, अगर आप टाइम खराब करते हैं तो उसका भी रिफ्लेक्शन आपको नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है। अब बात आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं, आप उसको यूटिलाइज करते हैं या उस टाइम को खराब करते हैं। थैंक यू वेरी मच।